हमारी जो एसोसिएशन है रूरल मार्केट एसोसिएशन उसका गठन हुआ है, उसके लिए मैं अपने सारे मेम्बरों का यहाँ पे मुबारकबाद देता हूँ। देखिए 2016 से जब से ये फ्लाईओवर बना बन रहा है यहाँ रोड का, तब से हमें मुश्किलों का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। बीच में कोविड भी आया, उसकी वजह से भी हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसके बाद उससे भी हमारा बिजनेस काफ़ी बुरे तरीके से प्रभावित हुआ। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्लाईओवर, हम कह रहे हैं डेवलपमेंट होनी चाहिए, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी खुशी की बात है। 4 लेन फ्लाईओवर भी ऊपर बन रही है, 4 लेन नीचे बन रही है, बिजनेस हमारा और अच्छे तरीके से चला, ये हमने सोचा था, बट ऐसा होगा नहीं एक्चुअली, क्योंकि जो नीचे वाली लेन है ये इतनी नैरो लेन है कि यहाँ पे अगर एक गाड़ी नीचे खड़ी हो जाए तो इतना लंबा जैम लग जाता है। तो क्योंकि आज की डेट में ऐसा ट्रेंड है कि हर घर में 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं, कोई गाड़ी लिए बिना तो कोई शॉपिंग करने, कोई सामान खरीदने तो आता नहीं है। तो उस सूरत हाल में अगर पार्किंग हमें नहीं दी जाती है तो मुझे लगता है ये पूरी की पूरी जो हमारी मार्केट है अखनूर रोड की, ये पूरी की पूरी मार्केट आने वाले दिनों में बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी। और ये हम आज देख ही रहे हैं, आज की डेट में अगर हम गाड़ी अपनी सड़क में खड़ी करते हैं तो ट्रैफिक अथॉरिटीज वाले साहब नहीं आ जाते हैं अपनी स्टिकर लेके उस पर चिपकाने के लिए। इसका सामना हम आज बुरे तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं। साथ में ही हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सड़क अभी चली नहीं है तो ट्रैफिक वाले यहाँ पे 8-8, 10-10 बंदे खड़े हो जाते हैं लोगों ट्रैफिक गाड़ियों को चालान करने के लिए, गाड़ी एक भी वो यहाँ से निकलने नहीं देते हैं। बट सबसे पहले ये देखो यार, ये सड़क चल रही है कि ये नहीं चल रही है, सड़क तो स्मूथली चलाओ, आधी सड़क ये अब चल नहीं रही है, बुरी तरीके से यहाँ पे लोगों का बिजनेस प्रभावित है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, जब ये कंपनी NHIDCL जो ये बना रही है फ्लाईओवर जो बना रही है, ये इंजीनियर साहब जो ये डिजाइन कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रही उन्होंने क्या डिजाइन करके ये फ्लाईओवर बनाया था, क्योंकि जो उन्होंने एक ड्रेन बनाया साथ में, डीप ड्रेन जो साथ में बना, वो गलियों के 1-1 फुट 1.5-1.5 फुट कहीं के 2-2 फुट भी ऊंचा है, आप मौके से देख सकते हैं उनको। जब 1.5 फुट किसी की दुकान के आगे से एक थड़ा उन्होंने ऊंचा कर दिया, वो भाई साहब गाड़ी लेके कैसे अंदर जाएंगे, अपनी सड़क से 1.5 फुट ऊंचा है, तो उस सूरत में उसका तो दुकान के अंदर जाना भी मुश्किल हो गया। आज की डेट में पहले तो जो अथॉरिटीज हैं यहाँ के MD साहब हैं, उन्होंने कहा हम ठीक कर देंगे, इसको तोड़ देंगे, एक आधी दुकान को उन्होंने तोड़ा भी। तो आज एडमिनिस्ट्रेशन पूरी चेंज हो गई है, DIPCOM साहब डॉक्टर सोरल लुंगे साहब थे, उन्होंने हमारी बातें सारी मांगी, फिर चैम्बर्स के साथ हम मिले, चैम्बर के साथ मिलकर उन्होंने उन्होंने पार्किंग के लिए भी हमारे लिए माना हुआ था, बट आज स्मार्ट सिटी वालों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये पार्किंग का जो प्रोविजन है उस पर कुछ मुझे लग रहा है कुछ उनका डामाडोली सिस्टम चल रहा है। तो अगर ऐसी चीज पार्किंग हमें नहीं मिलती है, मैं आपके माध्यम से बात उनके तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर पार्किंग हमें नहीं मिलती है तो मुझे लगता है बिजनेस हमारा पूरा का पूरा जो है पिछले छह सालों से हमारा बिजनेस प्रभावित है। हमने कहा चलो यार, हर रात के बाद सुबह होती है, हमारा बिजनेस किसी तरीके से अच्छा होगा आने वाले टाइम में, हम इसी चीज का भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहा था, मगर वो ड्रीम प्रोजेक्ट मुझे लगता है एक अंधेरे में जाएगा, हमें यहाँ पे पार्किंग नहीं मिलेगी और कस्टमर हमारे यहाँ के खड़ा ही नहीं होगा तो वो शॉपिंग क्या करेगा इस सूरत में, जो हमने इतना पैसा लगाया हुआ है, इतना घाटा हम बैंकिंग लिमिटों पे हम काम कर रहे हैं, वो बुरी तरीके से यहाँ पे प्रभावित होगा। धन्यवाद।